Good morning, students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your maths class, and we are doing fifth unit of maths and exercise fifth C. Okay? हमने fifth A और B में ये सीखा कि एक्सपांडेंट फॉर्म सीखा, एक्सपांडेंट से फिर से शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखा, प्लेस वैल्यू सीखा, फेस वैल्यू सीखा, ठीक है? और ये देखा कि किस तरह से कौन सा नंबर किस पोजीशन पे रहता है, जैसे वंस पे रहा या टेंस पे रहा या हंड्रेड पे रहा, तो उस तरह से हमारा नंबर हम किस तरह से शो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आज हम सीखने जा रहे हैं फिफ्थ सी में बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, लेकिन इनको एक अलग नाम से सीखने जा रहे हैं. अलग नाम से इसलिए क्योंकि बिफोर को यहाँ प्रेडिसेसर बोलते हैं और आफ्टर को यहाँ सक्सेसर बोला जाता है. इट मीन्स ये कि बिफोर जब हमें दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसके आगे का नंबर लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन प्रेडिसेसर में ये होगा कि हमको उसमें से वन माइनस करके लिखना है, ठीक है? जो भी हमें नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया गया है आपके लिए कि यहाँ 400 दे रखा है आपको, 400 में से माइनस इन्होंने वन किया, वन माइनस किया तो हमारे पास निकल के आया 399. इट मीन्स ये कि ये हमारा प्रेडिसेसर निकल के आया है ना? उसके बाद इसी को अगर हमें सक्सेसर बनाना है तो बस हमें क्या करना है, 399 में हम प्लस वन कर देंगे, 400 जो आएगा वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि यही आफ्टर और बिफोर ही है, लेकिन बस उन्हें एक अलग नाम से पुकारा जा रहा है. और दूसरा ये कि इनमें एक एक नंबर एड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना? देन बिटवीन नंबर. बिटवीन नंबर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो नंबर के बीच का नंबर. मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया 399 और यहाँ मैंने लिख दिया 401. तो अब बीच का नंबर क्या है? बीच का नंबर हो जाएगा वही 400, है ना? इसलिए ये हो गया बिटवीन नंबर. तो आपको समझ में आ गया ना कि आफ्टर, बिफोर या बिटवीन, या प्रेडिसेसर बोला जाए या सक्सेसर बोला जाए या बिटवीन बोला जाए. प्रेडिसेसर का मतलब भी बिफोर होता है, सक्सेसर का मतलब आफ्टर होता है, और बिटवीन तो बिटवीन ही है. ओके, चलिए एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज में मैंने एक एक सवाल आप लोगों के लिए कर दिए हैं और बाकी जो है वो आप लोगों को मैंने एग्जांपल दे दिए हैं. मतलब इट मीन्स कि आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, तो आप सक्सेसर निकालने के लिए क्या करेंगे? सक्सेसर निकालने के लिए वही कि 241 हमें दिया, प्लस हमने किया 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 2. इट मीन्स ये कि 242 जो है वो हमारा सक्सेसर नंबर है. ओके, अब आगे जो है आप वन प्लस कर करके भी सक्सेसर लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट सवाल, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर. प्रेडिसेसर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, यहाँ एक नंबर दिया है 150 का प्रेडिसेसर कैसे निकालेंगे, माइनस वन करके. अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम 10, ये बन जाएगा 4, है ना? और 1 तो 1 ही रहेगा, 10 में से 1 गया तो हमारा बच गया 9, है ना? अब 4 में से क्या जाएगा, कुछ नहीं, 0 ही है नीचे, यानी 4 और ये 1, ऐसा कैसा लिख देंगे. इट मीन्स हमारा प्रेडिसेसर क्या आया, 149, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना? ऐसे ही आप सभी के प्रेडिसेसर निकाल लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, राइट द नंबर विच कम इन बिटवीन द गिवन नंबर. मैंने आपको अभी सिखाया है ना क्या करना है, नंबर दिया है 341, फिर 341 343, बीच का नंबर क्या हो गया 342, ठीक है? तो ये हो गया बिटवीन नंबर. इसी तरह से आप सभी का सक्सेसर भी निकालेंगे, प्रेडिसेसर भी निकालेंगे और बिटवीन नंबर भी निकालेंगे,
और इसी तरह से मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सेंड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आया ना क्या करना है? वही लिखना है आपको, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, लेकिन इन्हें नाम दे दिया गया है, सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड बिटवीन नंबर। ओके चिल्ड्रन, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।